वर्षों से दुर्व्यवहार की जो बातें हैं वो तो उजागर लोगों ने करी हैं, कई बारी कंप्लेंट करी कि डॉक्टरों का व्यवहार ठीक नहीं रहता है वहाँ। हमने हमेशा कोशिश करी कि हम उनका उनके कारण समझे वो किस दबाव में कार्य कर रहे हैं, कोविड में हो या नहीं हो, और हमने हमेशा डॉक्टरों का सम्मान करा है। लेकिन जिस प्रकार से निर्मम तरीके से आप देखिए किस प्रकार से मारा है दो ये बच्चों को, उसके दोनों हाथ तोड़ दिए और उसके बाद दूसरे की कैंची लग गई सर पे, 8 टांके आए, तो ये कौन सी डॉक्टरी सीख रहे हैं, ये क्या कौन सी डॉक्टरी कर पाएंगे? इनमें जब कोई सद्भावना और बेसिक ह्यूमन वैल्यू नहीं है तो किस प्रकार से कार्य कर पाएंगे? और पुलिस प्रशासन दोनों तरफ से मुकदमे कर रहा है जबकि इन बच्चों ने एक हाथ भी नहीं मारा है और यही पिटे हैं वहाँ पे। तो इसलिए ये यहाँ पहाड़ के लोग इसलिए यहाँ पे नहीं रह रहे हैं कि हम लोग पिटेंगे और वो भी बाहर के लोगों से, तो ये बहुत ही गलत व्यवहार है। सुशीला तिवारी और प्रशासन को इसका पूरा संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।